लॉकडाउन में पूरे देश भर की पुलिस लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है और इस दौरान वो खासतौर से बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस भी अपने ऐसे कामों से लोगों का दिल जीतने का काम कर रही है और इसी के चलते मुहिम भी शुरू की गई है जिसका नाम दिया गया है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। और इसी के तहत दिल्ली की आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने ट्विटर पर आई रिक्वेस्ट के बाद दूसरे जिले में रह रहे एक दंपत्ति को उनकी शादी की सालगिरह पर उनके घर जाकर केक देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। दरअसल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती 13 मई को राहुल नाम के एक युवक ने डीसीपी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भेजा और बताया कि 14 मई को उनके माता पिता की सालगिरह है लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो इस साल इसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। पूरा परिवार हर साल अपने माता पिता की सालगिरह मनाता है और इस बार उनके लिए ये संभव नहीं है, तो राहुल ने पुलिस से अपने माता पिता के लिए केक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ट्विटर पर संदेश भेजने वाले राहुल ने अपना पता वाई ब्लॉक मंगोलपुरी बताया। ये पता आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पर यह संदेश दिल्ली पुलिस को भेजा गया था इसलिए भेजने वाले की भावना और दंपत्ति की खुशी को ध्यान में रखते हुए उसे यादगार बनाने के मकसद से आउटर नॉर्थ जिले में तैनात एसीबी गजेंद्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मी पूरी सावधानी के साथ केक लेकर पते पर पहुंचे। पुलिस टीम द्वारा केक देखकर दंपत्ति बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें दिल्ली पुलिस को भेजे गए ट्वीट के बारे में नहीं बताया था। दंपत्ति ने बताया कि उन्होंने एक जोड़े के रूप में अपने जीवन के 30 साल पूरे किए हैं और इस सालगिरह उनके लिए अविस्मरणीय है। वो हर साल अपने परिवार के साथ अपनी सालगिरह मना रहे हैं लेकिन वह अब यह वर्ष उनके लिए काफी विशेष है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ऐसे समय में उन्हें उपहार देकर उन्हें एहसास कराया है कि दिल्ली पुलिस भी उनके परिवार का हिस्सा है। अब ऐसे में पुलिस द्वारा ऐसे मुश्किल हालातों में किए जा रहे काम न सिर्फ पुलिस का मानवीय चेहरा दर्शाते हैं बल्कि आम जनता में भी पुलिस की छवि को अच्छी और सामाजिक बनाने के साथ साथ लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ाते हैं।